यूपी ओदा ने लगभग लगभग 8 प्लेयर को रिटेन किया है, जबकि अपने इंस्टाग्राम पेज पे तो 4 का ही नाम लिया है। तो बाकी के जो रिटेन हुए प्लेयर्स के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से प्लेयर रिटेन हुए हैं, और ये शायद थोड़े टाइम बाद में इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज जो यूपी ओदा उस पर भी अनाउंस हो जाएगा। तो चलिए साथ में मैं आपको बताऊंगा जो फिलहाल की जो इनकी टीम है वो भी कैसी रहेगी, साथ ही साथ में कौन से प्लेयर रिलीज हुए हैं और अच्छे प्लेयर रिलीज हुए हैं, और अभी जो टीम है उनके अकॉर्डिंग को कितना प्राइस मिला है, कितने रुपए मिले उन प्लेयर्स को, तो उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8769190749, ये नंबर आप सेव कर सकते हो और इस पे मैसेज कर सकते हो ताकि कबड्डी कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो आपको सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर रिटेन करने की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले बात करते हैं सुरेंद्र गिल का नाम आता है। सुरेंद्र गिल को यहाँ पर रिटेन किया गया है यहाँ पर यूपी ओदा की टीम के द्वारा, जो कि पिछली बार की यूपी ओदा के टॉप रेडर थे। दूसरी बात यदि मैं करूं तो राइट कॉर्नर जो यूपी ओदा की तरफ सबसे ज्यादा खेलते हैं वो नितेश कुमार है, और उनको भी रिटेन कर लिया गया है। उसके बाद करें लेफ्ट कॉर्नर सुमित सांगवान को भी रिटेन कर लिया गया है, और राइट कवर आशू सिंह को भी रिटेन कर लिया गया है। यानी स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग सेवन होती थी यूपी ओदा की, उसके जो टॉप डिफेंडर थे और ये जो मेन राइडर था उन सबको रिटेन कर लिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो शुभम बालियान जो एक NYP प्लेयर थे यूपी ओदा की टीम में, जो एज ए लेफ्ट कवर खेल रहे थे, मोस्ट ऑफ द मैच वही खेले थे, बीच बीच में कई बार उनका रिप्लेसमेंट आया था लेकिन मेन पोजीशन लेफ्ट कवर के ऊपर वही है, उनको भी रिटेन कर लिया गया है क्योंकि वो एक NYP थे, तो NYP का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ रेडर के अंदर रोहित तोमर है, फिर अमन हुड्डा को भी रिटेन कर लिया गया है, फिर नितिन पवार को भी रिटेन कर लिया गया है। अब रोहित तोमर कौन, मैं आपको बताऊं उनको भी 8 लाख में रिटेन किया गया था। यहाँ पर रोहित तोमर भी बहुत अच्छा रेडर है और यंग एज का रेडर है, पिछली बार उनको मौका मिला था 4-5 मैच में खेलने का, लास्ट के 5-10 मिनट और उन्होंने 14-15 पॉइंट भी निकाले थे, तो अच्छा रेडर है। यहाँ पर ये लगा लीजिए सुरेंद्र गिल को बहुत तगड़ा सपोर्ट देगा। फिलहाल में ये 8 प्लेयर हैं जो कि मैं बता रहा हूँ कि 8 प्लेयर रिटेन किए गए हैं यहाँ पर, नितेश कुमार, सुमित सांगवान, सुरेंद्र गिल, शुभम, आशू, रोहित तोमर, अमन हुड्डा और नितिन पवार। उसके अलावा मैं बात करूँ तो प्रदीप नरवाल के ऊपर यदि मैं बात करूँ तो प्रदीप नरवाल को यहाँ पर टीम ने वहाँ बाहर कर दिया है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा प्राइस नहीं दे पाएगी टीम भी, क्योंकि 1.65 करोड़ रुपीज़ है और पिछली बार की परफॉर्मेंस वो नहीं मिली जो जितने उनको रुपए मिले थे। तो अब की बार प्रदीप नरवाल भी ऑक्शन में देखेंगे, उसके अलावा कुछ और बड़े बड़े नाम है वो भी ऑक्शन में देखेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।